हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम खेल रहे हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं खेल रहे हैं। पर भाई, आपने जो मेरे अगले वाले वीडियो को मतलब जो प्यार दिया था ना भाई, कि क्या बोलूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड वाले वीडियो को, सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊँगा वो सोलो वर्सेस स्क्वाड के ऊपर ही लाऊँगा। पर अब की वीडियो में हम खेलने वाले हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। ओके, तो हम बेसिकली उतरे थे रोजॉक पे, और रोजॉक पे उतरते ना उतरते ही मेरे साइड से कुछ फुटप्रिंट्स आ रहे थे, तो मेरे को UMP-45 मिल गया था लकीली। तो मैं जल्दी से नीचे गया और भाई हमको एक बॉट मिल गया। तो भाई कोई बात नहीं, हमने इस बॉट को फिनिश किया। पर नीचे सोम्राट था, सोम्राट बोल रहा था कि भाई जल्दी आ, मेरे पास बहुत सारे बंदे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तेरे पास एक और नहीं है मतलब टाइगर बैठा हुआ है, वो तेरे को देखेगा। और मेरे को यहाँ पे इसके पास AKM भी मिल गया था, जो भाई मेरे लिए एडवांटेज था बहुत। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा लूटा, लूटने के बाद मैं गया भाई उसके पास। भाई मैं जैसे ही उसके पास जा रहा था ना, एक बंदा उसके ऊपर पुश कर रहा था, तो मैंने वहीं पे देख के उसको ठोक दिया। यहाँ पे एक और बंदा था जो राइट साइड से जा रहा था, तो मैंने इसको भी डैमेज दिया था, पर लकीली ये बच गया। तो कोई बात नहीं, मैंने उसको बोल दिया था कि वहाँ पे सम्राट बंदा जा रहा है, तो भाई उसके ऊपर ज़रा ध्यान दे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भाई थर्ड पर्सन लिया और देख रहा था कि बंदा कहाँ पे है। तो उस साइड से सम्राट फ्लैंक मार रहा था और दूसरी तरफ से टाइगर जो है वो भी फ्लैंक मार रहा था। तो मेरे पास ये एडवांटेज था, तो मैंने बोल दिया भाई मेरे को ज़रा कवर दे, मैं इस साइड से जा रहा हूँ। तो भाई उसके बाद मैंने और ट्रिगर ने फ्लैंक किया, उसने नेट किया था, और भाई यहाँ पे ट्रिगर को मिल गया था सरप्राइज। पर कोई बात नहीं, मैं उसके पीछे था तो भाई उसको बचा लिया। कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर भी ऊपर बोल रहा था ट्रिगर कि भाई ऊपर एक बंदा अभी भी है, तो तू जल्दी से रिवाइव। तो मैं रिवाइव दे रहा था, पीछे से सम्राट जो था वो भाई कवर दे रहा था, बोल रहा था तू रिवाइव दे, मैं कवर दूंगा अगर पीक वीक करेगा तो। तो ठीक है, यहाँ पे वो रिवाइव हो गया। तो मेरे को ज़रा देखना था कि अभी तक वो बंदा है कि नहीं। तो सम्राट ने क्लियर किया कि नहीं, शायद कोई नहीं है। पर फिर भी ना डाउट सा हो रहा था कि शायद कोई ना कोई तो शायद होगा, मेरे को डाउट हो रहा था। पर डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली रोजॉक हो गया था फिनिश। ओके, तो भाई इसके बाद हमारे पीछे यहाँ पे एक स्क्वाड प्लेयर कर दिया था रश। तो भाई मैंने यहाँ पे स्क्वाड हाउस पे जल्दी जल्दी गाड़ी को रोका, और भाई एकदम मैं ऊपर के साइड पे चला गया कि अगर गाड़ी आएगा तो भाई ठोक ही दूंगा। तो यहाँ पे वो दोनों नीचे थे, नीचे ही मार रहे थे। तो मेरे को जल्दी से यहाँ पे एक बंदा दिखा, और भाई वहाँ पे सम्राट भी नॉक हो गया था। तो भाई यहाँ पे मैंने एक को नॉक किया, और सम्राट को उसने डायरेक्ट फिनिश ले लिया था भाई, उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था, उसने नॉक करके डायरेक्ट फिनिश भी ले लिया था। और यहाँ पे डाशिया भी आ गया था, तो मैंने डाशिया से एक जोन को मतलब नॉक कर दिया, और दूसरा जो बंदा था उसको एकदम ट्रिगर ने कर दिया फिनिश। तो भाई यहाँ पे बोल सकते हो पूरा स्क्वाड जो है हमने क्लच कर दिया। तो भाई उसके बाद ट्रिगर ने बोला कि भाई हमारे लेफ्ट साइड पे जो घर है ना, वहाँ पे एक बंदा है, क्योंकि वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ कार दिख रहा था। तो मैंने ट्रिगर को बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू भाई गाड़ी को देख। और भाई तभी हमको एक बंदा दिखा जो बगी पे था। तो मैंने ट्रिगर को बोला भाई वहाँ पे एक बंदा है, देख के जाओ। और भाई तभी ट्रिगर ने उसको ठोक दिया था। तो भाई मैंने उसका किल श्योर कर रहा था यहाँ पे कि भाई तेरा किल मैं श्योर करता हूँ, कोई बात नहीं। पर ट्रिगर को अभी भी लग रहा था कि भाई वहाँ पे ना अभी भी बंदे हैं, तो भाई तू जरा ध्यान से आना। तो भाई मैंने बोला ठीक है भाई। तो उसने ऊपर सब मॉली वॉली करके एकदम मतलब कोई था तो मर ही जाता, पर वहाँ पे हमको कोई नहीं दिखा। पर फिर भी ट्रिगर बोल रहा था बंदे हैं, और यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स भी आ गए भाई। तो ट्रिगर बोल रहा था देख के भाई कहीं पे सांप वाप बन के बैठा हो सकता है बंदा, क्योंकि अभी भी फुटस्टेप्स आ रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू देख कहाँ पे है, उतना कोई जल्दी नहीं है, पहले बंदे श्योर कर, मैं बाहर की साइड देखता हूँ, तू भाई अंदर की साइड ठीक से देख। पर यहाँ पे भाई बेसिकली उनका वो नॉक बंदा जो था वही था, उसी का ही फुटप्रिंट्स आ रहा था। तो उसको भाई शायद फिनिश कर दिया ट्रिगर ने। सो उसके बाद ना भाई इस साइड से बहुत ही गंदा फसर मच रहा था, हो सकता है कि फ्लेयर ड्रॉप आया होगा, और फ्लेयर ड्रॉप पे सो बंदे हैं जो थर्ड पार्टी हो गया। तो मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखा, उसको भाई मैंने जैसे तैसे यहाँ पे नॉक कर दिया। पर एक बंदा था उसको जो पीछे से कवर फायर दे रहा था, तो उसने भी मेरे को नॉक कर दिया, और इसके पास मशीन गन था। मैंने ट्रिगर को बोला भाई ध्यान से, भाई पूरा फुल स्क्वाड है। पर यहाँ पे ट्रिगर ने एक को नॉक कर दिया था, नॉक करने के बाद डायरेक्ट फिनिश भी लिया, अच्छा किया। और उस साइड से और भी दो बंदे आ रहे थे, तो ट्रिगर ने उन दो बंदों को भी ठोक दिया था यहाँ पे, और पूरा स्क्वाड ट्रिगर ने कर दिया था फिनिश। मतलब भाई
अकेले तीन बंदों को मार दिया मैंने, तो एक को पहले ही लुढ़का दिया था, पर यहाँ पे ट्रिगर ने बहुत अच्छा खेल लिया भाई। ओके, तो उसके बाद हमको हमारे पीछे के साइड पे दिखे कुछ बंदे, तो मैं इनको तो भाई ऐसे नहीं छोड़ रहा था क्योंकि हमारे पास AWMM थी, तो मैंने यहाँ पे एक को बॉडी शॉट दिया और भाई यहाँ पे ये तो सीधा लेट ही गया था, तो मेरे पास एकदम ऑप्शन था AWM से नॉक करने का, तो मैंने नॉक किया। और वहाँ पे टाइगर जो था ना एकदम गंदा वाला M4 का स्प्रे दे रहा था, तो स्प्रे से ऑलरेडी वो दो बंदों को नॉक कर चुका था, और मैंने एक को नॉक कर दिया था, पर उन लोगों ने इतना सा स्मोक कर दिया ना भाई कि क्या ही बताए भाई सामने। पर टाइगर ने बोला कोई बात नहीं, मैं आगे आगे जा रहा हूँ, उनको एकदम देख लूंगा। और भाई सच में भाई उसने देख लिया, तीन बंदों को उसने कर दिया था वहाँ पे नॉक, और मैंने यहाँ पे एक बंदे को कर दिया था भाई फिनिश। तो भाई आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और चलिए गाइस आपको मिलता है मेरे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।